है, जो लूटने वाला है वो बाहर रहे, और जो संस्कृति का सनातन का रक्षा कर रहा है वो जेल में रहे। हिम्मत है लालू प्रसाद बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना, है हिम्मत तो जेल में डाल के दे, है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत है तो बोलो। अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर लालू यादव को चैलेंज करते हुए कहा कि लालू में हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज कर दिखाएं। भाई मुझे लग रहा है जो लुटेरे है वो जेल में रहे, वो बाहर रहे, उनका यही निकाला है, जो लुटने वाला है वो बाहर रहे, और जो संस्कृति का सनातन का रक्षा कर रहा है वो जेल में रहे। हिम्मत है लालू प्रसाद को तो बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना, है हिम्मत तो जेल में डाल के देख रहे, है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत है तो बोलो। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वाले ये बाहर रहेंगे, और जो सनातन संस्कृति का जो पूरे देश में और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम कर रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, ऐसे सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले, ऐसे महात्मा, ऐसे सनातन धर्मावलंबी, ऐसे हनुमान के, ऐसे पुत्र हनुमान के अनुयायी, उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। अरे पता है, रावण से भी सीख लो, रावण ने हनुमान जी को बंद करके उसके उनके पूछ में आग लगा दिया था, क्या हुआ परिणाम, स्वर्णमय लंका जल गया और रावण सदा सदा के लिए रावण का अंत हो गया। अपना अंत कराना हो तो बागा बाग बाबा बागेश्वर बाबा से या तो कुछ प्रेरणा लो, नहीं तो तुम्हारा अंत तो तय है, अंत होगा और अंत ऐसा होगा कि बस राम नाम लेने वाला भी तुम्हारा कोई नहीं बचे। पटना के नौबतपुर में 13 मई से बाबा का कार्यक्रम है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज हो रही है। बक्सर पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान देने वालों पर करारा हमला बोला। यस ले ले कि आईपीएस ले ले, इनका तो हनुमान जी ही इनको, इनका लग चुका है आग, और ये बागेश्वर बाबू बाबा का ये रोकने के लिए कह रहे हैं। क्या रहने जगता बाबू, अरे जगता बाबू दिमाग वाग ठीक रखिए, नहीं तो ऐसा हुल बहेगा कि कहाँ रहिएगा आप लोग ये पता नहीं चलेगा। ये हनुमान को छेड़िएगा तो हनुमान पता है स्वर्णमयी लंका को जला दिया था, और आपका तो ये कौन सा, ये रावण रूपी लंका जो आपका है, ये लंका बचने वाला है, लंका का तो दहन होगा ही। बाबा हम लोग कोशिश करेंगे। भाई कांग्रेस के लोगों को मुझे लग रहा है कि पहले तो कांग्रेस का नाम ही हटना चाहिए। ये कांग्रेस का झंडा, ये भारत का तिरंगा झंडा है, और मैं जनता की आवाज़ को मैं आपके सामने उकर कर रहा हूँ कि तिरंगा झंडा में कोई भी चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तिरंगा झंडा भारत का है, ये भारत का स्वाभिमान है, ये तिरंगा। मैं तो चुनाव आयोग से कहूँगा कि इनका तिरंगा झंडा के अंदर ये कैसे इन्होंने चरखा अपना ये हाथ दे दिया। तिरंगा झंडा में हाथ देने का किसी को भी पावर नहीं है। इस पर ही पहले चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, जो काम किया है। भारत का तिरंगा झंडा वो देश के लिए है, देश का है, ये कांग्रेस का नहीं है। बहरहाल जिस प्रकार बागेश्वर महाराज बिहार में आने वाले हैं, उनको लेकर लगातार तेज प्रताप बिहार के शिक्षा मंत्री के अलावा महागठबंधन के लोगों के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी के जवाब में अश्विनी चौबे ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।